रात को एडिट करते करते सो गए, पता नहीं कब मैं सो गया। सुबह उठा, लैपटॉप खुला हुआ है, एडिटिंग ऑन है, फटाफट एडिट कंप्लीट किया, अपलोड करी। अब फ्री हूँ, अब फ्रेश व्रेश होऊंगा और कॉलेज जाऊँगा। आज भी एग्ज़ाम है, आज कॉलेज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ तो धूप से बच गई मेरी गाड़ी अभी तक। देखो धूप आ गई थी बस, ऑलमोस्ट इतनी से बच गई, ठंडी है गाड़ी। टाइम पे पहुँचा हूँ मैं, देखो 11 बज रहा है, 11:20 पे मेरा पेपर है, बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचा। एग्जाम तो भाई, अब एग्जाम क्यों नहीं दे रहा भाई? कौन सा एग्जाम है भाई? भाई मेरे को तो एग्जाम को पता था, मैं इतनी तेज आऊँ गाड़ी चला के। कोई भाई यूँ आया भाई इतनी तेज चला के? भाई कैमरा तो साफ कर ले भाई, मैं ऐसे ही रखता हूँ भाई, कैमरा साफ है मेरा, वो पीछे से लाइट आ रही है। गरीब स्कूल वो कॉलेज है भाई, यहाँ देखो भाई। छोड़ यार, हम अपने कॉलेज की बुराई नहीं करेंगे, बहुत अच्छा कॉलेज है यार। बिल्कुल नहीं है भाई, भाई क्या हो गया, वेरेंट ईयर तो होता रहता है क्लासरूम में वो, जब हम लड़ लेना फिर जा जब बोले तो भाई हमारे कैसे छत में एक पैनल गायब क्यों है भाई। हमारा वो हो गया क्या कहते हैं इसे, ब्रेक टाइम। अभी इधर तो घुमा रहे, चलो भाई जूस कॉर्नर चॉर्नर है, इतना बड़ा कैंपस अब घूमे जाओ। देखो अब जूस कॉर्नर कहाँ है, ये नहीं कॉलेज आ रहा हूँ पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, पबजी में रिकॉर्ड बना रहा है, पढ़ाई में बना रहे ना भाई, मैं नहीं खेल रहा हूँ ये भाई, मेरे को पता नहीं था प्रो प्लेयर है ये, यहाँ इस दशा में भाई मेरे को लगा हरा दूंगा भाई। नहीं हरा, अच्छा खेलता है भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, पबजी खेलता है पूरे दिन। ये नहीं पढ़ाई लिखाई कर लूँ, क्लास सही है ना, अच्छी बात है ना भाई। इन दोनों की लड़ाई चल गई, ये कह रहा है मेरी सिटी बढ़िया, ये कह रहा है मेरी सिटी बढ़िया। ये देख, ये हमारे वहां से नजारे हैं भाई, वो तो हाइट में ना वहां से भाई, हाइट में ही भाई, पर इसके भी अच्छे थे, इसके भी नजारे अच्छे थे भाई, वो जहाँ भी रहते देहरादून के। हाँ हमारे यहाँ तो सनसेट होता ही नहीं, सूरज तो तुम्हारे भाई देख भाई, तारे भी वही दिखते, सूरज भी वही उगता है, यहाँ नहीं होता कुछ भी वहाँ कुछ। इसमें क्या करे, तेरी हेडलाइट देख क्या करे भाई। वैसे ऑफिशियली अभी कॉलेज ओवर नहीं हुआ, बट मैं घर निकल चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ, जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी ना, मैम कह रही जिन जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी है, एक पीपीटी थी, उनके आज एब्सेंट लगेगी, जाओ। और भाई मेरे को लगा सिर्फ मैं ही उठूंगा या एक दो बच्चे और उठेंगे, पूरी क्लास उठी, किसी ने भी प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, वो क्लास ओवर हो गई, ऐसी क्लास ओवर हुई सोचो भाई। कॉलेज से अभी आया हूँ और बाहर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 मतलब इतनी गर्मी है, शक्ल देख लो। और अभी एसी आने कल परसों आएंगे, अभी तो घर से निकल ही रहा हूँ बस, कपड़े वपड़े चेंज करके। एम ही सुन रहे हो, फटाफट सैंडविच दो ना, भूख लग रही है, एक ही सैंडविच खाऊँ, डाइट पे हो ना मैं। क्या हो गया, रॉकिंग चेयर गिरी, चाह पर जूता खराब हो गया, सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी, होता रहता है, चलो कोई नहीं, टेस्ट टेस्ट कर लेते, खाना खाना का। दिस इज इनफ, और नहीं खाऊंगा। अभी अभी मैंने इतना तगड़ा फिटनेस फ्रीक देखा सड़क पे चलते हुए, वैसे वो जॉगिंग कर रहा था, मतलब जॉगिंग कर रहा था, वॉक जो भी कर रहा था, पूरे ट्राई फिट कपड़े पहने हुए थे, एकदम बढ़िया लग रहा था कि घर से निकला है वो जॉगिंग करने के लिए और फिटनेस के लिए। और उसके हाथ में सिगरेट थी भाई, चलता चलता उसके सांस चढ़ रहे और सिगरेट पी रहा था, मतलब समझ नहीं आया मेरे को ये क्या फिटनेस फ्रीक था, इससे क्या बन गया, इसकी बॉडी भी सही हो गई या खराब हो गई। जो तुम्हारा इतना तगड़ा शरीर थका हुआ है, जिसे फ्रेश ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे तुम उसमें धूम्रपान भर रहे हो भाई, ये कहाँ की फिटनेस हुई। वर्कआउट वगैरह के बाद ही सिगरेट विगरेट मत पिए करो, वैसे भी मत पिए करो, बट वर्कआउट के बाद तो स्पेशली मत पिए करो भाई। यू ऑल्सो कम जिम विद मी, वैसे सही है, ऐसे फिट ऑलरेडी फिट यू नो यार, मैं ही सारी बॉडी बना लूंगा क्या, मतलब यहाँ चुने तो बना ही रखे ना तुम भाई, भाई तुम्हारी तो है बॉडी भाई। हम एक बार आ चुके हैं, एक बार लक्ष्य अर्चित द मशीन बॉयज को वजीराबाद छोड़ के आए थे, तो एलवी के लेजेंडर लेके थे। और अरे टाइम बज गया इसमें, तो टाइम बज गया, 9 बज गया वही मैं टाइम, 9 बज गया और अब जिम जा रहे हैं, 1 घंटा लेट हैं भाई। तूने इतनी धूल उड़ा दी, कुछ दिख नहीं रहा कैमरे में, धूल उड़ती दिख रही है बस। हाँ तो भाई वो तो इस टाइम तुम गुड़गांव में निकलोगे, सही में निकलोगे, इतना जाम मिलता है बत्ती पे, तो हमारी गलती नहीं है, 1 घंटा लेट हम गए, पर जिम पूरी करेंगे भाई। अब तो चल भाई हिमांशु, मतलब वार्म अप ही चल रहा है अभी तो, अभी तो 20-20 किलो से 10 रैप मार दिए, 60 किलो से 10 रैप मार दिए, कमर दर्द स्टार्ट हो चुका है, और तो 10 और प्लेट बढ़ा दी, 90 किलो कर दिया, इजी पीजी फॉर हिम, वेरी इजी। अब मेरे को भी मारनी है यही, इसका ही मुंह बन रहा तो मैं तो ऐसे ऐसे हो जाएगी मेरी तो भाई। 100 kg क्लब में घुस चुके हम, 100 किलो लग रहा है, ऐप कर रहा है देख। अब मेरे को भी मारनी है क्या, ये कितने रैप मारे, 8
मैं 6 रैप मार लूं बतेरे, बेल्ट दे दे। पहले तो मार लेता था बिना बेल्ट के, अब बेल्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। पहले तो वहां मार रहा था 250 किलो बिना बेल्ट के, अब बेल्ट चाहिए भैया, क्योंकि बेल्ट पहन लेता हूँ। दूसरी बेल्ट पहननी पड़ेगी भाई, वो वाली बेल्ट फिट नहीं आई, थोड़ी लंबी बेल्ट लेनी पड़ेगी। रैप निकाले बट ऐसे ऐसे हो गए 5-6 रैप में। हिमांशु तो और 10-10 बढ़ा ली, 120 पे पहुंच गया। 120 भी उठ जाएगा बट रिस्क लिया, इतने महीनों बात कर रहा हूं तो। चलो मैं भी मार दूंगा बट आज नहीं, थोड़ा टाइम है उसके लिए। देख लो मैं कैसे बैठा हूं चिल करते हुए, और इसे देखो मेहनती बच्चे को। दोर। 120 मरवा दी हिमांशु जान कुछ के कि भाई मार दे मार दे मार दे, बच गई भाई कमर में, कमर बच गई नहीं, ऐसे हो जाती आज। अगर मेरी कमर में कल कुछ दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेवारी है भाई, इस बंदे ने जबरदस्ती लगवाई है। हमेशा की तरह मैंने अपना वर्कआउट बीच में छोड़ दिया, लोअर बैक बोल रही मेरी भाई, और बुरा ना हो जाए इसलिए मैं कर ही नहीं रहा। आपका वर्कआउट कैसे चल रहा है? कमर में दर्द तो नहीं ना तेरी? जब पहली बार करी ना तो वो मैं भाई, पहले दिन तो होता ही है, अभी तो शायद कम होगा। कल सुबह जो होने वाला मुझे पता, कल कॉलेज कैसे जाऊंगा मैं, सुबह उठने ही भारी हो जाएगा। नोटी नोटी जोक्स मार रहा है, सपना चुरा रहा है मेरा, मेरी आय लगेगी, यार लगेगी तो किसी की नहीं लगेगी, जितने बंदे देखते हैं तेरे को, मेरे को भाई किसी की नहीं लगेगी, मेरी आय लगेगी, मैं खुद बोल रहा हूँ कैमरे में। भाई आज तो मतलब जिसे कहते हैं ना भरोसा उठ गया, मुझे दुनिया दीन दुनिया पे सब पे भरोसा उठ गया। एक भाई की एडिटिंग फोटो देख ली मैंने, एडिट कर रखी थी और जो ओरिजिनल थी, और एडिट के बाद भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं दिखा नहीं सकता यार, थोड़े प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, बट भाई यार बहुत भयंकर ही खेल गया भाई, बहुत तगड़ा गेम खेलते भाई। भाई इसका रैप देखो बड़ा प्यारा लग रहा है, ओ नाइस कार मैन। मैं घर आ गया हूँ, थोड़े छोले चावल रखे थे ये खा रहा हूँ, क्योंकि आज चिकन खा नहीं सकता, ट्यूसडे है। जाकर ने उसे पार्टी दे दी थी, हमें थोड़े बहुत सैंडविच खिला दिए थे, बट घर आके थोड़ी सी भूख लग गई, तो थोड़े से छोले चावल ले लिए छोटी प्लेट में। अब धीरे धीरे डाइटिंग होगी, एकदम से तो है नहीं कि बिल्कुल खाना छूट जाए अगर कम हो जाए, तो धीरे धीरे अपनी एपेटाइट कम कर रहा हूँ, फिर रूटीन पर आ जाऊँगा। तो भाई आज के लोग लेते ही रखते हैं, अब मेरे को वेट करना और सोना भी, आज टाइम से ही सो जाता हूँ भाई, मतलब 1-2 बजे सो जाऊँगा, कितने बजे भी 1:15 हो रखे हैं, 2-2.5 बजे सो जाऊँगा। कल भी कॉलेज जाना टाइम से, तो देखते हैं। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ आइस पैक लगा लूँ कमर पे कि सुबह दर्द ना हो, बट अभी आलस बहुत आ रहा है, कौन जाएगा फ्रिज तक आइस पैक उठाने। मैं अभी तो आइस पैक नहीं लगा रहा, बट ये ना हो कि सुबह सुबह भाई कमर में बहुत तेज दर्द हो जाए कि भाई फिर मैं रिग्रेट करूँ कि यार रात को लगा ही लेता। चल छोटे जो भी देखी जाएगी यार, फिर थोड़ा सहन कर लेंगे कि दिन दर्द क्या हो गया। ये तो है नहीं, इनके मुँह पर कोई मास्क लगा दो, भौंको मत। चलो ठीक है, भौंक रहे भौंकने दो। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग गाइस, please do give it a thumbs up, and if you don't like it then also give it a thumbs up. subscribe kar dena theek hai, naye channel pe to please subscribers badhwane yaar, 6,500 aa rahe hain yaar, please theek hai badhao subscribers badhao, sare bhai subscribe karo, until then see you, good night, bye.